हेलो फ्रेंड, मैं सुनील ठाकुर हैप्पी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं आपको अमरनेलिस प्लांट के विषय में बता रहा हूँ, ये देखिए अमरनेलिस प्लांट का बल्ब है। इस बल्ब में जो है नेक्स्ट ईयर से यहाँ से छोटे छोटे आपको बल्ब भी मिलेंगे। इसको लगाना कैसे है उसके टिप्स बता रहा हूँ। मेरे पास ये छोटा सा पॉट है, इसमें जो है गोबर की खाद, रेत और मिट्टी मिक्स है। पॉट मैंने पहले से भरा हुआ है, फिल किया हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा हाथ से या खुरपी की सहायता से जो है आप मिट्टी को हटा दीजिए और इस बल्ब को ऐसे लगा दीजिए और ये जो है इसका मुंह जो है ये ऊपर की साइड रहे। ज़्यादा मिट्टी इसमें मत भरिए वरना आपका बल्ब सड़ जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी भर दिया, थोड़ा सा हिला दीजिए इसको और इसके बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस बल्ब में जो है अंकुर निकल रहा है। ये देखिए कुछ दिन पहले जो प्लांट लगाए थे मैंने, उनमें अंकुर निकल रहा है, छोटी छोटी इसमें पत्तियां आ रही हैं। इस तरह जो है मैंने दूसरे भी पॉट में प्लांट लगाए थे। ये देखिए ये प्लांट बड़े बड़े हो गए हैं, प्लांट अमरनेलिस के प्लांट। और ये देखिए इस दूसरे पॉट में देखिए आप, इसमें जो है फूल वाली स्टेम भी निकल गई। ये देखिए इसमें जो है कली आ रही है। अब ये देखिए दूसरा पॉट, इसमें जो है मैंने करीब 7 बल्ब लगाए थे, बड़े अच्छे ढंग से उगे हैं और इसमें कलियाँ आ गई हैं। ये देखिए कलियाँ, देखिए फूल खिलने ही वाले हैं। ये देखिए कुछ मैंने अपने लॉन में प्लांट लगाए थे, अमरनेलिस के प्लांट, उसमें फूल खिल चुके हैं। कितने सुंदर फूल हैं। आप गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जगह की कमी है तो आप गमले में लगाइए, क्यारी में लगाइए। बड़े खूबसूरत पौधे हैं, आपके लॉन की सुंदरता को बढ़ाएंगे। ये देखिए अमरनेलिस के रेड कलर के फूल, प्यारे में लगे हुए फूल, बड़े सुंदर फूल। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, आप क्यारी में लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। आप गमले में भी लगा सकते हैं जगह की कमी के कारण। ये देखिए पूरे रेड कलर के फूल। अब मैं दिखाता हूँ आपको येल्लो कलर का फूल। ये देखिए येल्लो कलर का अमरनेलिस बड़ा खूबसूरत फ्लावर है। अमरनेलिस के फ्लावर कई कलर में होते हैं, मेरे पास तो अभी येल्लो और रेड। जैसे ही कोई दूसरा फ्लावर मेरे पास होगा मैं तुरंत आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप समय निकालकर मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ एक नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।